कानपुर कैंट के पूर्व विधायक कांग्रेस सोहेल अंसारी के भतीजे पर युवती ने लगाए गंभीर आरोप। पूर्व विधायक के भतीजे की छेड़छाड़ और दबंगई से परेशान लड़की ने वीडियो बना लगाई मदद की गुहार। युवती का आरोप लंबे समय से परेशान कर रहा विधायक का भतीजा। युवती ने बताया कि बीती रात 1 तारीख को विधायक के भतीजे व उसके साथियों ने युवती और उसके मां बाप के साथ फिर से की बदसलूकी। युवती का आरोप है कि विधायक के भतीजे का मामला होने के कारण पुलिस ने नहीं की कोई भी कार्रवाई। लड़की के अनुसार पुलिस के सामने ही आरोपी बकते रहे गाली, पुलिस बनी रही मूक दर्शक। युवती ने रेल बाजार पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े किए सवालिया निशान। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। मैं विधानसभा कैंट से हूँ, जहाँ के विधायक सोहेल अंसारी जी हैं जो कि अब हार चुके हैं। उनका भतीजा बहुत दिनों से परेशान करता है, जिसकी वजह से मैंने कई बार थाने में कंप्लेन दी। थाने में कंप्लेन देने के बावजूद भी यहाँ के लोगों ने मेरा कोई मदद नहीं की, क्योंकि वो विधायक का भतीजा है। वो मतलब कि डराता फिराता है, सब करता है, इस वजह किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं आज थाने में गई थी तो थाने में भी मैंने कंप्लेन की थी, तो थाने के लोग आए, तो यहाँ के लोग उनके सामने भी मुझे मारने दौड़ रहे थे और ये बोल रहे थे कि मैं मार दूँगा, ये कर दूँगा। क्योंकि पुलिस वाले खड़े थे वहाँ पर, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला। जबकि घर में घुस के कल दिनांक 1/5/2022 को घर में घुस के मेरे माँ बाप के साथ भी इन्होंने हाथापाई की, इसके बावजूद भी और मेरे साथ भी छेड़छाड़ नहीं की। जब वो पुलिस वाले आए तो उन्होंने ये सब बातें जब उनसे पूछी तो उन्होंने हमको गलत बताया। मैं जब बोर्ड एग्जाम देने जा रही थी अभी 2022 में, तो नूरानंद ने मेरा पीछा किया और मतलब कि कार में सीट के अंदर बैठा था, जहाँ जब मैंने इसके पर भी इग्नोर कर दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद भी मैंने विधायक से बात करने की कोशिश की कि उनके भतीजे ने मेरे साथ कैसे व्यवहार किया। विधायक ने भी थोड़ा सा मतलब कि खुद भी मतलब कि एक्शन नहीं लिया, इसके बावजूद भी आज भी यही हरकत हुई मेरे साथ। अक्सर ये छेड़छाड़ी करते हैं, क्योंकि मैं बहुत दूर पढ़ती हूँ अपने घर से, और जब मैं जाती हूँ तो वो मेरे साथ बहुत बदतमीजी करते हैं। उनके साथ 2-4 आदमी और भी हैं जो जिनका नाम असदुल्ला और फिरोज जफर, ये नाम है। ये लोग भी हमें बहुत परेशान करते हैं, जबकि इनकी शादी हो चुकी है। इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया और जब मैंने इसका एक्शन लेना चाहा तो पुलिस ने भी मेरा साथ ऐसे नहीं दिया। प्लीज मेरी हेल्प करिए और इससे ज्यादा से ज्यादा मदद करिए। कांग्रेस के विधायक के भतीजे की गुंडई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें शिकायतकर्ता लगातार ये आरोप लगा रही है कि सुनवाई नहीं है। ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है, इसकी हम जांच कराकर जो भी विधिक कार्रवाई हो की जाएगी, और मैंने जांच के आदेश दे दिए और 2 दिन के अंदर जांच करके इस पर कार्रवाई की जाएगी।